Hello everyone, welcome back to my channel. It's story time और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ऋषिका। तो चलो आज एक अच्छी सी स्टोरी सुने। लेकिन आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? कि हमें कैंगरू की स्टोरी सुनेंगे? No. फिर आज हम एक डोंकी की स्टोरी सुनेंगे? No. I think आज हम एक क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनेंगे? No. आज तो हम सुनेंगे एक एलिफेंट की स्टोरी। तो चलो शुरू करें। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले let's all sing the story song. It's story time. Time to have some fun. It's story time. Let's all have some fun. Yay! Let's get started. आज की हमारी स्टोरी का नाम है गजपति कुलपति और इसे लिखा और ब्यूटिफुली ड्रॉ किया है अशोक राजा गोपालन ने। ओह वाओ, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हम एक गांव में आ गए। और ये कौन है? ये तो है एक बड़े से हाथी जिनका नाम है गजपति कुलपति। हेलो गजपति कुलपति, हाउ यू डू? आपको पता है बच्चों, गजपति कुलपति एक बड़े हाथी थे और गजपति कुलपति एक भले हाथी भी थे। हाँ, एक रात की बात है कि बड़ी जोरों की बारिश हुई। छम 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 छम। और इस बारिश के अंदर हमारे गज्जू भैया तो बेचारे भीग गए। और पूरी रात बारिश में भीगने के बाद गजपति कुलपति को तो हो गया जुखाम। अब बच्चों, छोटी सी नाकों को तो छोटा सा जुखाम होता है, लेकिन इतनी बड़ी नाक वाले लोगों को तो बहुत बड़ा जुकाम होता है। हाँ, और हमारे गज्जू भैया, उनके पास भी तो बड़ी सी लंबी सी नाक थी, इसलिए उनको भी बड़ा सारा जुकाम हो गया। थोड़ी ही देर में केले वाले भैया पास में से निकले और उन्होंने गज्जू भैया यानी कि गजपति कुलपति से पूछा, क्या आप केले खाओगे? अब गजपति कुलपति ने अपना जैसे ही मुंह खोला, देखो क्या हुआ, उसे तो जोर की छींक आ गई। फिर चलकर देखें कि आगे क्या हुआ। लेट्स गो एंड सी। गजपति कुलपति लगी है सर्दी। गजपति कुलपति, गजपति कुलपति, अरे बाप रे, ये देखो जरा, गज्जू भैया ने इतनी जोर की छींक मारी कि बेचारे केले वाले भैया के हाथ से केले ही उड़ गए और कहां जाके गिरे? डाकिये जी के सर पर। अचाक! अरे ये देखो जरा, डाकिया जी तो गाय के ऊपर जाके गिरे। दमार! और गाय बेचारी इतनी जोरों से जब डाकिया अंकल उनसे टकराए तो वो तो बेचारी डर गई और वहां से भागने लगी अपनी दुम ऊपर उठा के, कैसे ऐसे करके। ये सब कुछ देखकर तो बेचारे गजपति कुलपति बहुत ही ज्यादा उदास हो गए और सोचने लगे, मैं अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को दुखी नहीं देख सकता। नो। तो चलो मैं इनसे माफी मांगता हूँ। जैसे ही गज्जू भैया ने अपना मुंह खोला माफी मांगने के लिए, ये क्या हुआ, उनको तो फिर से छींक आ गई। गज्जू भैया को इतनी जोर से छींकते हुए देखकर तो सारे डर गए। केले वाले भैया जोर से भागे, फिर डाकिया जी भी जोर से भागे और गाय भी तेजी से भागी, कैसे ऐसे करके। लेट्स रन 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 रन, लेट्स रन 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 रन। फिर चलकर देखें गज्जू भैया ने क्या किया। लेट्स गो एंड सी। गजपति कुलपति लगी है सर्दी। गजपति कुलपति, गजपति कुलपति, ओ नो, बेचारे गज्जू भैया, उन्होंने जब देखा कि उनके सारे दोस्त भाग गए इधर उधर, वो देखकर बेचारे इतने ज्यादा उदास हो गए
और सोचने लगे, मैं अपने दोस्तों को तकलीफ में ना ही देख सकता। तो वो तो जाके एक बड़ी सी दीवार के पीछे छिप गए और वहीं पर रहे पूरा दिन। हाँ, अरे अरे अरे, ये देखो जरा, पूरे के पूरे गांव में अभी तक गजपति कुलपति के जुकाम के बारे में सभी को पता चल चुका था। पूरे गांव में सब एक ही बातें करने लगे। हाँ देखो, केले वाले ने दूध वाले से कहा, गजपति कुलपति को जुकाम है। फिर दूध वाले ने दर्जी से कहा, गजपति कुलपति को जुकाम है। फिर दर्जी अंकल ने फूल वाली से कहा, गजपति कुलपति को जुकाम है। फिर फूल वाली ने डाकिये से कहा, गजपति कुलपति को जुकाम है। फिर डाकिया अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि गजपति कुलपति को जुकाम है। उस रात एक जोरदार आवाज ने सारे के सारे लोगों को गांव में जगा दिया। लेकिन ये आवाज किसकी थी? क्या ये आवाज एक कुत्ते की थी? नो। फिर क्या ये आवाज एक शेर की थी? नो। आई थिंक ये आवाज, हाँ, बादल की गड़गड़ गड़गड़ करने की थी। नहीं 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 नहीं, या फिर कहीं आसमान तो नीचे नहीं गिर रहा, लगता है उसी की आवाज होगी। अरे नो नो नो, इतनी धमाकेदार छींक की आवाज जो पहले किसी ने नहीं सुनी, किसकी थी? अरे अपने गज्जू भैया गजपति कुलपति की थी। सबने जब गज्जू भैया को छींकते हुए सुना तो सबने अपना सर हिलाया ऐसे करके और जाकर वापस सो गए। इतनी जोरों की छींक मारी हमारे गज्जू भैया गजपति कुलपति ने कि आपको पता है क्या हुआ? उसका तो जुकाम इतनी बड़ी छींक के साथ गायब हो गया। और वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी, यानी कि खुश खुश उठा अगली सुबह और सबने जाके गज्जू भैया की पीठ पे जाके ऐसे थपथपाया और कहा, गुड जॉब गज्जू भैया, आपने तो अपना जुकाम खत्म कर दिया। इतनी देर में एक समझदार बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने सबको मिलकर कहा कि भाई चलो चलो, हम हमारे गज्जू भैया के लिए एक घर बनाते हैं, हाँ, ताकि जब भी बारिश हो तो हमारे गज्जू भैया उसमें ना भीगे। ठीक है बेटा। फिर चलकर देखे सबने गज्जू भैया के लिए घर बनाया कि नहीं। लेट्स गो एंड सी। गजपति कुलपति लगी है सर्दी, गजपति कुलपति, गजपति कुलपति। जब गजपति कुलपति ने ये बात सुनी तो वो तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया। बस फिर क्या था, केले वाला, दूध वाला, दर्जी, फूल वाली, डाकिया और बूढ़ी अम्मा ने मिलके गजपति कुलपति के लिए एक बड़ा सा घर बनाया। उस दिन के बाद से बड़े सारे लोगों ने अलग अलग तरह की छींक सुनी। कैसे? ऐसे करके, लेकिन एक छींक है जो किसी ने नहीं दोबारा सुनी। कौन सी? वही वाली, यानी कि गज्जू भैया को दुकान कभी नहीं हुआ दोबारा, क्योंकि सारे गांव वालों ने मिलके गज्जू भैया के लिए एक बड़ा सा घर बनाया और वो बारिश में अब कभी नहीं छींके और उनको जुकाम भी कभी नहीं हुआ। हाँ, बाकी सबको लगता रहा पर गज्जू भैया को नहीं लगा। गजपति कुलपति, गजपति कुलपति, गजपति कुलपति लगी है सर्दी, गजपति कुलपति। गज्जू भैया बहुत बड़े सूंड ठाकर कहाँ चले, कहाँ भाई कहाँ, अरे वहाँ भाई वहाँ,
गज्जू भैया बहुत बड़े सूंड ठाकर कहाँ चले, भारी भरकम बारिश में भाई हाल इनके हुए परे। गजपति कुलपति गजपति कुलपति गजपति कुलपति लगी है सर्दी गजपति कुलपति। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अच्छी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो आप लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ करो इसे शेयर एंड लिसन टू मोर स्टोरीज एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए ये थी आज की हमारी स्टोरी टाइम। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू स्टोरी। अंटिल देन इट्स टाइम टू से बाय बाय।